हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपने स्टडीज अब बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, सो मेरा जो लास्ट लेक्चर था वो क्या था हमारा, हम लोगों ने अपना यूनिट वन का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, जो कि हमारा क्या था, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, है ना। और अगर आपका यूनिट वन की हम बात करें तो उसमें मेनली आपके सिर्फ थ्री टॉपिक्स हैं। आपका जो कंसेप्ट है एंड ऑब्जेक्टिव है एंटरप्राइज का वो है, उसके साथ में आपका क्या है, रोल इन नेशनल इकोनॉमी है। ठीक है, कि जो आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनका नेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ में क्या रोल होता है। और उसके अलावा आपका एक और टॉपिक है, दैट इज जो बात करता है किसकी ग्रोथ की। ठीक है, तो आज हम अपना सेकेंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यूनिट वन का, दैट इज रोल इन नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, कि पब्लिक एंटरप्राइज का नेशनल इकोनॉमी में क्या रोल होता है। तो पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द पब्लिक सेक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सेल्फ सफिशेंसी। द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इन द कंट्रीज इकोनॉमी कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलोज। तो अगर हम बात करें किसकी, पब्लिक सेक्टर की। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर आपका क्या था है? क्या है आपका, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है किसमें, आपकी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। क्यों, कैसे? क्योंकि अगर देखो, जब आपका क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो आप में आपकी कंट्री में जो है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बहुत ही क्या था, बहुत बैकवर्ड एरियाज थे जो यहाँ पे थे, है ना, बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे क्या था कि जो भी कोई प्राइवेट सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, किसी भी सेक्टर में जाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है डर रहे थे। उनको बिल्कुल भी वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि वो ठीक है, वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते न्यू किसी भी न्यू फील्ड में एंटर करने का ना, क्योंकि अब न्यू बिल्कुल कोई की जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अवेलेबल नहीं था। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की नीड थी और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते थे। इसलिए क्या हुआ उस टाइम पे, उस सिनेरियो में आपके जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, वो डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे और एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे किसके लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आपका जो पब्लिक एंटरप्राइज है बेसिकली वो कई सारे रोल प्लेस करता है किसमें, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। तो देखें, हमारा फर्स्ट रोल है वो क्या है, फिलिंग गैप्स इन कैपिटल गुड्स। ठीक है, क्या है, फिलिंग गैप्स इन कैपिटल गुड्स। तो फर्स्ट रोल हमारा क्या है, फिलिंग गैप्स इन कैपिटल गुड्स का है, है ना। तो इसमें हम देखें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सीरियस गैप्स एग्जिस्टेड इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन हैवी इंडस्ट्रीज, स्टील, हैवी मशीन टूल्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड रिफाइनिंग पावर्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी क्या थी, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, है ना। तो पब्लिक सेक्टर इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट इन फिलिंग दीज गैप्स। तो स्टार्टिंग में क्या था, जब आपका इंडिपेंडेंस के जस्ट की बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें हम तुरंत के तुरंत ही, तो आपका क्या था कि बहुत ज़्यादा गैप्स एग्जिस्ट, मतलब जो कैपिटल गुड्स थी ना उनमें बहुत ज़्यादा गैप्स एग्जिस्ट कर रहा था। मीन्स कि आपका क्या था, क्योंकि देखो भाई, आप कोई भी अगर आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले कैपिटल गुड्स की नीड होगी, आपको पावर चाहिए होगा, आपको इक्विपमेंट चाहिए होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स की नीड होगी, है ना। अगर हम अपने एग्रीकल्चर की ही बात करें तो हमें अलग अलग तरह के क्या थे, फर्टिलाइजर्स की नीड चाहिए, नीड होगी, है ना। हमें क्या है, अगर हम अपने आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो हमें डिफरेंट टाइप्स के क्या है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की नीड होगी, है ना, कई सारी चीज़ों की नीड होती थी। तो जो मशीनरी एंड ऑल, ये सारे जितने भी कैपिटल गुड्स थे, तो ये कैपिटल गुड्स क्या थे, अब कि हमारे यहाँ से पहले से तो अवेलेबल थे नहीं, तो इनको प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि अगर आप एक कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो तो उस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, कोई है ना, कोई कंपनी आप इस्टेब्लिश करना चाहे तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको कुछ कैपिटल गुड्स की नीड होगी, आपको मशीनरीज की नीड्स होगी, है ना। तो वो सारी जो मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, उन सब की जरूरत थोड़ी थी, वो हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं थी। तो वो जो गैप हो रहा था, क्योंकि फिर वो इतना सारा सामान क्या करना पड़ रहा था, आपको सारा गुड्स जो है वो फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ रहा था, तो उसको खत्म करने के लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पब्लिक एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश किया, फिर जिससे उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें अपनी ही कंट्री में जो है क्या करी, मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दी, जिससे कि लोगों को क्या हो, बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े बाहर के जो है, या बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े उन्हें, बहुत सारी चीजें बाहर से इम्पोर्ट ना करनी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आपका, तो नेक्स्ट इनका जो है इम्पोर्टेंस वर्क का क्या है, इनका रोल, दैट इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। तो हम लोग जानते हैं मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स होते हैं, आप हम हैं यहाँ पे, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, उनका जो बेसिक एम होता है वो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं ना, सबका आजकल मोटिव होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है। ठीक है,
तो उस क्या था, तो उस टाइम पे हमारा क्या था, स्टार्टिंग के जस्ट बाद के, तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, है ना। बिल्कुल इंडिपेंडेंस की जस्ट की बात करें, बाद की बात करें, तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी कंट्री में। स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, बट उस टाइम के कंपेरिजन में अब थोड़ी कम है। तो उस टाइम पे क्या था कि जब बहुत सारी पब्लिक एंटरप्राइज इस्टेब्लिश हुई, तो उन्होंने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट किया, ठीक है। तो जैसे जैसे एंटरप्राइज इस्टेब्लिश होती जाती हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होती जाती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने में भी आपकी क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेस हेल्प करती हैं। उसके बाद हम बात करें आपका, दैट इज है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने की बात ना करके, ठीक है, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस ना करके आप सारे एरिया पे फोकस करते हो, ठीक है। आप पूरी ओवरऑल कंट्री को डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आपका जो पब्लिक एंटरप्राइज है ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस ना करके जितनी भी आपके हैं, जैसे रूरल एरियाज हो गए, फिर चाहे अर्बन एरियाज हो गए, ये सारे एरियाज क्या करना चाहते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट जो बैंक्स हैं, ठीक है, जैसे SBI है ना, ये आपका क्या है, एक है ना, एक आपका क्या है, एक नेशनल बैंक है। तो आप देखोगे कि SBI आपको मोस्टली हर जगह मिलता है, आपको अर्बन एरियाज में भी मिलता है, आपको जो है रूरल एरियाज में भी मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिक एम क्या था भाई, क्या फॉलो कर रहा है, दैट इज रिबैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कि इनका मेन मेन फोकस है कि ये क्या हो, आपके कंट्री के जितने भी जो है एरियाज हैं, चाहे वो आपका जो है अर्बन एरिया हो, चाहे वो रूरल एरिया हो, कोई भी एरिया क्यों ना हो, हर जगह पे प्रॉपर जो है फैसिलिटीज अवेलेबल हो, ठीक है। गवर्नमेंट जो पूरी फोकस कर रही थी कि चाहे आपका क्या है, हाँ, सारे गांव हो, चाहे जो है आपके सारे गांव हो, या फिर आपके क्या है, आपके जो है कोई शहर हो, जितने भी हर जगह पे क्या हो, आपको वाटर मिले, आपको पावर मिले, ठीक है, हर जगह। अब तो पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने भी आपके क्या है गाँव है, उन सबके पूरा प्रॉपर जो है इंडस्ट्रियल एरिया में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो सकें, जिससे क्या हो कि वहाँ उन्हें किसी एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें बैलेंस रीजन डेवलपमेंट का, तो मीन्स क्या होता है, बैलेंस रीजन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप सारे एरिया को कवर करना चाहते हो, जितने भी आपके कंट्री के एरियाज हैं, फिर चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, सबको डेवलप करने की बात की जाती है। नेक्स्ट रोल हम देखें तो आपका क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोसीड्स है, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसीड्स में ये क्या करती है, कॉन्ट्रीब्यूट करती है। सो अपार्ट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज एंड पेमेंट डिविडेंड्स, द पब्लिक एंटरप्राइज कॉर्पोरेशन आर मेकिंग सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर बाय पेइंग प्रॉफिट टैक्सेस थ्रू एक्साइज कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। अब बताइए, आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यूज मिलते हैं, वो रेवेन्यूज कहाँ से मिलते हैं, इंडस्ट्रीज से मिलते हैं ना। जब डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की गुड्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, उन मैन्युफैक्चरर्स पे उनको टैक्स पे करना होता है। फिर अगर वो एक्सपोर्ट कर रही हैं तो उन्हें टैक्स पे करना होगा, अगर वो कुछ इम्पोर्ट कर रही होती है तो उन्हें टैक्स पे करना होता है ना। तो जो कस्टम ड्यूटीज हैं, एक्साइज ड्यूटीज हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, ये क्या है, एक सोर्स है किसका, गवर्नमेंट रेवेन्यू का, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या करती है, आपकी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो पब्लिक प्रोसीड, दैट इज ये क्या है, आपकी गवर्नमेंट की रेवेन्यू में भी कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है उसको किस लिए यूज किया जाता है, आपकी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक की ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तुम्हारा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। तो आपका जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी हेल्प करती है ना। इस टाइम पे आपने देखा हमारा कंसेप्ट चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, दैट इज हमारा पूरा जो है वो होता है कि हम लोग क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, एक्सपोर्ट करें, है ना। हमारे देखो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, जब आप एक्सपोर्ट करने की बात करते हो तो एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट जो भी जैसे इंडस्ट्रीज हैं जो ज्यादा फोकस कर रही होती है किसके ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, तो उन्हें डिफरेंट टाइप्स की सब्सिडीज भी मिलती हैं, ठीक है। जैसे पब्लिक एंटरप्राइजेस आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ द कंट्री, स्टेट ट्रेडिंग आपका क्या है, STC, दैट इज स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हो गया, मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हो गया, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हो गया, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, है ना। तो ये हैव मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो ये सारी जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं ये क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इनके बहुत सारे क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। बहुत सारी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आउट ऑफ द कंट्री जाती है।
फिर हम बात करते हैं किसकी, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की। तो फिर देखो मोस्टली क्या था स्टार्टिंग में, जो पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले के टाइम पे क्या था कि हम ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, हमारी जो जो फॉरेनर्स थे, ठीक है, जो अदर कंट्रीज थी, हम उनके ऊपर डिपेंड करते थे मोस्ट स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो टेक्नोलॉजीज के लिए हम ना सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो हमारे जो अदर कंट्रीज हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये था पब्लिक एंटरप्राइज का फोकस था, गवर्नमेंट का ये फोकस रहा कि हम क्या हो, हम जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड ना करके जो जिन चीजों को हम बाहर से मंगाते हैं ना उसे हम क्या करें, खुद ही अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, यहाँ पे आपका वो जो आत्मनिर्भर भारत वाला कंसेप्ट है वो बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये किया था कि हम क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जिससे कि हम जितनी भी चीजें हैं जो हम बाहर से जिन गुड्स को वह क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं, उन्हें हम बाहर से इंपोर्ट ना करके क्या करें अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करें। तो उस केस में आपका क्या होता है, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा है दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही थी। तो जितनी भी आपके यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, जो राज्य स्केल पर रिसर्च चल रहा होता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा होता है, उन सब में आपका क्या है, जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज को लाना, जनरेट करना, डिफरेंट टाइप्स की मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स को क्या करना लाना, उनको मेंटेनेंस में रखना, उनके टेक्निकल नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाना, इन सब में क्या है आपकी जो एंटरप्राइजेज हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस ये आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, ये आपके जो है उसको वहाँ उसको डेवलप करने में, उसकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर हम बात करें किसकी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। ठीक है, तो आपका क्या था कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके यहाँ अवेलेबल है, हमारी कंट्री में क्या, हमारी कंट्री एक डाइवर्सिफाई कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के नेचर्स अवेलेबल हैं, है ना, अलग अलग जगह पे आप जाओगे तो अलग अलग टाइप का नेचर आपको मिलेगा। तो ये चीज थी कि जो आपके यहाँ पे क्या है, ये कोशिश हो रही थी कि जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइज का मेन फोकस ये था कि हमारे यहाँ पे जितने भी टाइप के क्या है नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, उनका क्या हो, प्रॉपर यूज हो सके, उनका एक ऑप्टिमम यूज हो सके। तो चूंकि आपका क्या था, जो पब्लिक एंटरप्राइज थी वो क्या था, उनके पास एक बेनिफिट ये था कि वो जो लार्ज स्केल का ऑपरेशन होता है ना वो इजिली कर सकते थे। ठीक है, लार्ज स्केल पे ऑपरेशन वो इजिली करके क्या कर सकते थे, प्रॉपर जो रिसोर्सेज थे उनका यूटिलाइजेशन वो कर सकते थे। तो इसमें क्या था, आपका जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक जो आपका पब्लिक एंटरप्राइज थी वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसमें हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो द पब्लिक सेक्टर इज ऑल्सो मेकिंग सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस इन द कंट्री। सो पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर मोबिलाइजिंग पब्लिक सेविंग एंड ड्राइविंग देम इन टू कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, तो आपका जो कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जो बैंक है ये क्या होते हैं, आपके कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कैसे, क्योंकि आप क्या करते हो, जो जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो कॉमन पीपल्स हैं उनकी सेविंग्स को लेते हैं वो। ठीक है, उनको ये एनकरेज करते हैं कि भाई आप क्या करिए, सेव करिए, और उनकी सेविंग को वो उनको जिनकी सेविंग की हैबिट है उसको एनकरेज करके, ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, फर्दर उसे किसी प्रोडक्टिव पर्पस में यूज कर लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं आपका कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपके जो पब्लिक एंटरप्राइज हैं ये कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। अब हम बात करें किसकी, सेल्फ रिलायंस की। तो अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज दैट दे हैव प्रूव्ड टू बी लार्जली सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट्स बाय प्रोड्यूसिंग बेटर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन द कंट्री है। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हो, खुद के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, आप खुद के ऊपर निर्भर कर रहे हो, आप किसी और से कोई हेल्प नहीं ले रहे हो। ठीक है, दैट इज आत्मनिर्भर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो आप इसमें क्या था, आपका जो पब्लिक एंटरप्राइज थी इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव जो है रोल प्ले करता है, क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे आपके क्या थे, बहुत सारे ऐसे जो है प्रोडक्ट्स थे, बहुत सारे ऐसे इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स थे जिन्होंने क्या किया, इसको खुद प्रोड्यूस किया। हमारे यहाँ क्या कंप्यूटर्स की हम बात करें तो पहले जो कंप्यूटर्स थे वो सारे के सारे क्या होते थे, बाहर से आते थे, इंपोर्ट होकर के आते थे। अब क्या हो गया, हमारे यहाँ खुद से डिफरेंट 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 टाइप के कंप्यूटर्स बनने लग गए हैं, इवन हम लोग क्या है उसको एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, आपका सेल्फ रिलायंस हो गया है कि आप अपने आप पर डिपेंड कर रहे हो। फिर हम बात करते हैं आपकी पब्लिक वेलफेयर की। तो आपको पता ही है कि आपका जो है जो पब्लिक एंटरप्राइज है इसका जो बेसिक
ऑब्जेक्टिव ही है वो क्या है, पब्लिक वेलफेयर है, ठीक है। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जिससे कि आप इनसे दे सप्लाई यूटिलिटीज और एसेंशियल गुड्स एंड यूजफुल सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेज और चीप रेट्स, है ना। तो इनका जो बेसिक एम होता है वो क्या होता है कि ये पब्लिक को जितनी भी यूटिलिटीज किस हैं, जैसे जो यूटिलिटीज हैं, जो जैसे रोड्स हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, यूटिलिटीज में आती है। तो प्राइमरी एजुकेशन की हम बात करते हैं तो ये सब क्या, आज भी देखोगे आपका प्राइमरी एजुकेशन जो फर्स्ट टू फिफ्थ है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो वो आपका क्या होता है, पब्लिक यूटिलिटीज गुड्स में आते हैं, जो कि गवर्नमेंट क्या करती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है, और नहीं तो बहुत चीप रेट पे प्रोवाइड कराती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस पब्लिक एंटरप्राइज हैव ऑल्सो बीन कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स है। और आप इसके साथ साथ जो आपके पब्लिक एंटरप्राइज हैं वो कोशिश करते हैं कि वो क्या कर सकें, जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या थे, रोल्स थे जो कि आपके क्या हैं, जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं वो प्ले करते हैं किसमें, आपकी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी जो आपकी है उसके डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करते हैं। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।